हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसटी लवर्स। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे फिजिक्स क्या है, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, भौतिक जगत विज्ञान की वह विशाल शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति व प्रकृति में होने वाले किसी भी प्रकार के घटना का अध्ययन किया जाता है तथा ऊर्जा व पदार्थों का अंतर संबंध का भी अध्ययन किया जाता है। सर गैलीलियो गैलीली को भौतिकी का जनक कहा जाता है। दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के नियम को भौतिकी का मुख्य नियम कहा जाता है। दोस्तों, भौतिकी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, पहला क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। पहला क्लासिकल फिजिक्स यह फिजिक्स की वह शाखा है जिसके अंतर्गत यांत्रिकी, स्थैतिकी, गतिकी, तरंग यांत्रिकी, वायु गतिकी, ऊष्मा गतिकी, तरंग गति, प्रकाशिकी, ध्वनिकी, चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है तथा इस फिजिक्स के अनुसार द्रव्यमान व ऊर्जा दो अलग अलग घटक माने जाते हैं। गैलीलियो गैलीली तथा सर आइजैक न्यूटन को इस फिजिक्स का जनक कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स यह फिजिक्स का वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, रिलेटिविटी का अध्ययन किया जाता है। इस फिजिक्स के अनुसार ऊर्जा व द्रव्यमान एक ही घटक के दो अलग अलग रूप माने जाते हैं, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता सिद्धांत E=mc² द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। फिजिक्स के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन व मैक्स प्लैंक को कहा जाता है। तो सूर्य का अस्त या उदय होना, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण होना, दिन या रात होना, ये सब फिजिक्स के उदाहरण हैं। तो अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में बनाऊं जरूर बताइएगा। धन्यवाद।